Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is types of universities in India. Matlab, Bharat Varsh mein kitne prakar ke vishwavidyalay karyarat hain. कई बार हम लोग हायर एजुकेशन में बहुत साल गुजार देने के बाद भी हमको पता नहीं होता है कि यूनिवर्सिटीज कितने टाइप की हैं, या एक्चुअली नहीं पता होता है, या कुछ पता होता है, पार्शियली पता होता है. तो छोटा सा टॉपिक है, बट हमें पता होना चाहिए. शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछते हैं, या आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है. तो शुरू करते हैं कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि हायर एजुकेशन को इंडिया में अभी तक जब तक एनईबी 2020 लागू नहीं हुआ है, यूजीसी देखता रहा है. और यूजीसी इसलिए बनाया गया, एक्ट 1956 के तहत बनाया गया, और इसलिए कि जो कोऑर्डिनेशन है, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसको इंश्योर किया जा सके. तो इसने कैसे डिफाइन किया यूनिवर्सिटी को? यूनिवर्सिटी मीन्स अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट, अ प्रोविंशियल एक्ट और अ स्टेट एक्ट. मतलब कि उसको यूनिवर्सिटी कहा जाएगा जो कि या तो राज्य या केंद्रीय या प्रोविंस के एक्ट के तहत बनाई जाएगी, और किसी भी एंड इंक्लूड्स एनी सच इंस्टीट्यूशन एज मे इन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटी कंसर्न, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी के कंसल्टेशन में बनाया जाए एंड बी रिकॉग्नाइज बाय द कमीशन और यूजीसी से रिकॉग्नाइज हो, वो सभी को यूनिवर्सिटी कहा जाएगा. अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ यूजीसी एक्ट 1956, इन्होंने कहा कि और यूनिवर्सिटी का क्या राइट होगा? तो राइट ऑफ कॉन्फरिंग और ग्रांटिंग डिग्री शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय यूनिवर्सिटी. ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक विश्वविद्यालय ही डिग्री ग्रांट करने की उसके पास पार या राइट होगा, चाहे वो स्टेट एक्ट से बनाया गया हो, प्रोविंशियल एक्ट से बनाया गया हो, या सेंट्रल एक्ट से बनाया गया हो, या वो डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी हो अंडर सेक्शन 3, या वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो जिसको कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाया गया हो, वो सभी हिंदुस्तान में डिग्री दे सकते हैं. अब टाइप्स पे आते हैं. तो टाइप्स 8 हैं टोटल, जिसमें पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हम सभी जानते हैं. केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है? आपके यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. और ये कौन से एक्ट के तहत बनेगी? सेंट्रल एक्ट से बनी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी. स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट से बनी तो स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई. ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे आपका UPRTU हो गया, इग्नू हो गया, ये कैसे बनेगी? ये इसकी खासियत ये है कि ये जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम डिस्टेंस एजुकेशन मोड से किया जाएगा, चाहे एक ब्रांच हो या कई ब्रांचेस हो नॉलेज की. फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे आपके इलाहाबाद में यूनाइटेड यूनिवर्सिटी है, और जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द ग्लोब है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. तो इसमें खासियत ये है, इसकी डिस्टिंक्शन ये है कि ये या तो स्टेट या सेंट्रल एक्ट से बनाई गई होगी, लेकिन इसको कोई बॉडी स्पॉन्सर कर रही होगी, और वो बॉडी या तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए सोसाइटी, या वो कंपनी आपकी कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर हो. ऐसी किसी कंपनी या सोसाइटी से ये बॉडी अगर स्पॉन्सरिंग है तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहलाएगा. फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, कई बार एक इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा हम दे देंगे. एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कॉमनली नोन एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिफर्स टू ए हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट. खासियत बस ये है, शर्त बस ये है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, विच हैज बीन सो डिक्लेयर्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट. और करेगा कौन? केंद्रीय सरकार उसको करेगी, और किस एक्ट के तहत करेगी? यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत. यानी कि पांचवा प्रकार आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया. छठा है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा. और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब राष्ट्रीय महत्ता के ये संस्थान हैं, जिसमें सब आपके IITs और NITs आते हैं, यानी कि आपका MN NIT जो इलाहाबाद का है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया. फिर इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, यानी कि ये स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के तहत बनाई जाएगी. जैसे कि आपके बहुत से एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुपति, शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ एटसेट्रा. और अदर इंस्टीट्यूट में आ जाएगा कि एन इंस्टीट्यूशन नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी.